हाय फ्रेंड्स, एक और शानदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आप देख रहे हैं एमके ब्लॉग्स राम। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार है और एक रोड ट्रिप है। मैं आज आपको आरके पुरम मेट्रो स्टेशन दिल्ली से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली तक का रोड ट्रिप कराऊँगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी जगह से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचना चाहते हैं तो अपने किसी भी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन पहुंच जाइए। वहां से दाईं तरफ ऑटो स्टैंड है जहां से आपको ऑटो मिल जाएगी और 10 मिनट में आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, मैं ऑटो से आपको राम मनोहर लोहिया तक के रोड ट्रिप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही सहायक होगा जो दिल्ली के बाहर से हैं और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप दिल्ली में किसी भी जगह पहुँचिए और वहाँ से सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ जाइए और मेट्रो से ही आप आरके पुरम पहुँचिए और वहाँ से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुँचिए। क्योंकि अगर दिल्ली के किसी भाग से अगर ऑटो से आते हैं तो आपको खर्चा ज़्यादा पड़ सकता है। सबसे कम खर्च में अगर आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचना चाहते हैं तो जो आपके दिल्ली में किसी भी जगह से मेट्रो स्टेशन जो नज़दीक है उससे आरके पुरम पहुंचिए और वहां से सीधा ऑटो पकड़ करके आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। और एक बड़ा जो ऑटो का खर्च होता है उससे आप बच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से पहुँचते हैं तो बहुत ही कम पैसे में आप पहुँच सकते हैं। तो इस बात को ख्याल रखेंगे और उन व्यक्तियों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, मतलब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुँचने जाते हैं।